आपको है स्कूल में सम्मानित किया गया है, लैपटॉप आपको दिए गए हैं, और आप कौन सी कक्षा में हैं, कितने परसेंट आपके नंबर आए हैं? मैं अभी कॉलेज में पढ़ती हूँ और मेरे 96.4% आई थी कक्षा 12वीं में, और मैं आज बेहद खुश हूँ और मैं अपना सारा श्रेय अपने माता पिता और अपने स्कूल को देना चाहूँगी। आपका नाम क्या है? सीमा। सीमा, तो कौन सी क्लास में आप? 12th पास आउट की है अभी। कितने परसेंट नंबर आए? 97%। तो क्या कहना चाहेंगे जो आज आपको सम्मानित किया गया है? मैं इस सम्मान से बहुत खुश हूँ और इसका श्रेय मैं अपने स्कूल को, अपने प्रिंसिपल सर को, टीचर्स को, मेनली जिसमें उर्वशी मैम और सीमा मैम है, मेरे फ्रेंड्स को जिन्होंने हर टाइम सपोर्ट किया, मेरे फैमिली मेम्बर्स को, सबको श्रेय देना चाहूँगी कि इस मुकाम तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत मदद की है। स्कूल की बात की जाए तो जो SMR इंटरनेशनल स्कूल है, तो कैसी यहाँ पर पढ़ाई होती है, क्या कुछ यहाँ का माहौल है स्कूल? स्कूल लाइफ तो हमारी बेस्ट लाइफ थी हमेशा, हम कॉलेज में भी जाते हैं बट स्कूल लाइफ को बहुत मिस करते हैं। हमारे प्रिंसिपल सर बहुत बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने हर चीज़ में हमें मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। हमारी क्लासरूम भी बहुत अच्छी थी और मतलब यहाँ डिसिप्लिन भी काफ़ी अच्छा है स्कूल में हमारे लोकेलिटी के अकॉर्डिंग, एंड आई जस्ट लव माई स्कूल अलॉट। तो बेस्ट स्कूल है, बेस्ट स्कूल है हमारे लोकेलिटी। जी, आपका क्या काम है और कौन सी क्लास में आप हो, कितने परसेंट आपके नंबर आए हैं? मेरा नाम झलक है और अब मैंने प्लस टू पास आउट की थी लास्ट ईयर और अब मैं कॉलेज में हूँ, मैं BLLB कर रही हूँ और मेरे 97% थे प्लस टू कॉमर्स से, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे टीचर्स, प्रिंसिपल सर मिस्टर विजय गौड़, मिस्टर प्रवेश कर, मिस श्वेता मैम, जितने भी हमारे टीचर्स थे, मेरे पेरेंट्स, मेरे क्लासमेट्स, सबने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, और उन्होंने ये जो स्कीम रखी थी कि जिसके 95 प्लस आए, 96 प्लस आए, उनको ये चीज़ मिलेगी, इसी की वजह से हम सारे मोटिवेट हुए, इसी चीज़ ने हमको मोटिवेट किया और हमने आज ये अचीव किया। तो सम्मानित आपको किया गया है, कितनी आपको अपने आप को खुशी हो रही है? मेरे को बहुत खुशी हो रही है आज। और स्कूल की पढ़ाई की बात की, स्कूल की पढ़ाई कैसी थी? स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी थी, स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती थी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर बर्डन नहीं था, टाइम टू टाइम गेम्स होते थे, एक्टिविटीज़ होती थी, कॉम्पिटिशन्स होते थे, जिससे कि बच्चे का माइंड डाइवर्ट भी रहता था और वो स्ट्रेस भी नहीं होता था। तो स्टाफ कैसा था यहाँ का? स्टाफ हमारा स्टाफ बहुत अच्छा था, टीचर्स बहुत अच्छे थे, वो बहुत सपोर्ट करते थे बच्चों को, कितने बजे भी हम कॉल कर सकते थे टीचर्स को अगर हमें कोई भी दिक्कत होती थी किसी भी क्वेश्चन में। क्या नाम आपका? मेरा नाम अचल जैन है। यहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है? यहाँ पर पढ़ाई बहुत ही हाईएस्ट लेवल की है, मतलब हमारे विसिनिटी के अंदर ऑल ओवर लोकल्स में देखा जाए ना, बेस्ट पढ़ाई है, बेस्ट स्टडी है, हर एक चीज़ के अंदर इंग्लिश को इतना मतलब बारीकी से देखा जाता है ना, कि मतलब ना बच्चे को कोशिश करते हैं कि भाई ना हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में ज़्यादा कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दे, ठीक है। और हमारा सपोर्ट ऑल ओवर देखा जाए तो हमारा स्टाफ जो था ना, हमारे टीचर से कोऑर्डिनेटर सर रहे, प्रवेश सर रहे, इन सब ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत कोऑपरेटिव रहा, और ऊपर से मेहनत तो है ही, माँ बाप की अगर ब्लेसिंग्स नहीं होंगी तो कैसे हो सकता है कुछ भी। और ऊपर के साथ साथ मेरे मतलब स्कूल की वजह से बेसिक्स अच्छे हो गए थे, तो मेरा CA फाउंडेशन का भी रिजल्ट आया, तो उसके अंदर मेरी डिस्टिंक्शन आई है। जैसे ये देखा जाए तो ऑल ओवर में ये स्कूल बेस्ट स्कूल है, मैं तो ये कहूँगा।